हेलो चिल्ड्रन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन के अभ्यास के प्रश्न और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कि इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार प्रयोग होता है, यानी कि हम मैग्नेटिक कंपास का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दिशाओं का पता लगाने में, यानी कि डायरेक्शंस नेविगेट करने में। तो जैसे कि आपको याद ही होगा बच्चों, मेरे लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको मैग्नेटिक कंपास दिखाया भी था और वो किस तरह से काम में लाया जाता है ये भी आपको बताया था। और वही हमें लिखना है, याद कीजिए था ना कॉम्पास कैसा था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि कॉम्पास एक डायल जैसा होता है गोल और जिसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा होता है, बीच में नीडल होती है और उस नीडल को हम कॉम्पास को तब तक घुमाते हैं जब तक वो मैग्नेटिक नीडल रुक नहीं जाती अपनी ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोजिशन में और उसके बाद हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। चलिए लिखते हैं, कॉम्पास में एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में इस रेस्ट स्टेट जब नहीं हिल रही है, विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। आंसर लिखने के साथ साथ आपको ड्रॉ करना है डायग्राम नंबर 13.10 जो कि आपका पेज नंबर 130 पर दिया गया है। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी के टब में तैरती एक नाव के समीप एक चुंबक लाया गया, विभिन्न स्थितियों का मिलान कॉलम 1 में कॉलम 2 से कीजिए। पानी के टब में एक नाव तैर रही है और उसके पास एक चुंबक को ले जाया जा रहा है, तो हमें डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं जिसके हमें आंसर्स मैच करने हैं कॉलम नंबर 2 से। तो चलिए देखते हैं, ये मैं आपका साथ साथ हम आंसर ही कर रहे हैं। पहली सिचुएशन है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। अगर वो खिलौने वाली नाव चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जो नाव का मटेरियल है वो मैग्नेटिक है, वो चुंबकीय है। तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे, नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। दूसरा, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, यानी कि चुंबक को जब हम नाव के पास ले जा रहे हैं तो नाव में कोई मूवमेंट नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाव नॉन मैग्नेटिक है, क्योंकि अगर वो मैग्नेटिक होती तो उसमें मूवमेंट जरूर होती। वही हमने लिखना है, नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। थर्ड, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है, यानी कि अगर हम मैग्नेट को नाव के पास लेके जा रहे हैं उसके फ्रंट सेक्शन में, तब हम ये देखते हैं कि जो उसका फ्रंट सेक्शन है वो नाव के उत्तरी ध्रुव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, की तरफ भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाव है उसके अंदर भी कोई चुंबक है और उस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जो है वो अग्रभाग में लगा हुआ है, तभी ही अट्रैक्शन पॉसिबल है। यही तो हमने पढ़ा था कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ ध्रुव उत्तरी है तो इसका मतलब नाव के आगे वाले हिस्से में एक चुंबक लगा है जिसका जो पोल है वो साउथ है आगे की तरफ। नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। पॉइंट नंबर 4, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। इसका मतलब नाव रिपल्शन शो कर रही है मैग्नेट से, और अगर नाव रिपल्शन शो कर रही है इसका मतलब उत्तरी ध्रुव के पास जो है वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया गया है। तो इसका मतलब नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, अग्र मतलब आगे वाले हिस्से की ओर।
पॉइंट नंबर फाइव, नाव बिना दिशा बदले तैरती रहती है, यानी कि जब उसके पास मैग्नेट ले जाया गया है तो नाव तैर रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब कि नाव में एक ऐसा चुंबक लगा है जो उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग ही है, यानी बिल्कुल पैरेलल इस तरह से लगा हुआ है आमने सामने इस तरह से, तो नाव की लंबाई के अनुदेश एक छोटा चुंबक लगा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है विद द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। इसमें 1 से 10 प्रश्न उत्तर थे और हम 1 से 10 तक सभी प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। तो आप सभी बच्चों ने भी ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सेंड करने हैं। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम with Star Teachers of Faridabad.